जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, सो वी आर स्टार्टिंग टुडेस क्लास। अच्छा जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर। कैसा रमजान जा रहा है आप लोगों का? जी, रमजान कैसा गुजर रहा है? तो बड़ा क्या कहते हैं, हल्का फुल्का रमजान होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल पिछले रमजान के मुकाबले में। क्या कहते हैं? यस सर। पिछले साल भी मैं यहाँ पे था इत्तेफाक से ना, तो कुछ अरसे के लिए बीच में रमजान में तो काफी सख्त गर्मी हुआ करती थी उस वक्त। ये तो रोजे अच्छे गुजर रहे यहाँ पे। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम ये पढ़ रहे थे, बेसिकली लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो था कंप्यूटिंग प्रोफेशनल प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो हम इसी से कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। ये लेक्चर और लेक्चर, दिस इज एक्चुअली स्लाइड्स ऑफ लेक्चर नंबर 13 और एक लेक्चर नंबर 14 की स्लाइड्स होंगी, जो कि फिर हम बाद में आज ही इसी लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर थोड़ा सा रह गया था लास्ट टाइम, हमने जो है ना एक दो बातें करनी थी तो वो रह गई थी टाइम की वजह से। ये हमने सब पढ़ लिया था। अच्छा, मैं क्विक ओवरव्यू देता जाता हूँ ना, फिर मैं मेन टॉपिक पे आ जाऊंगा। बेसिकली जो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन, इसकी डेफिनेशन, ये तो खैर हम आज के लेक्चर में बाद में देख लेंगे दोबारा से, इसमें उसका भी हिस्सा है। तो एथिक्स में जो है ना, सब मेजर इश्यूज जो हमने बात की थी ना, जिनकी लास्ट टाइम, दैट वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच, पावर रिलेशनशिप्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ प्रिंसिपल दैट सपोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी टू आर्टिकुलेट देयर ओपिनियन एंड आइडियाज विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, सेंसरशिप और लीगल सैंक्शन। अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? दो मीटिंग्स तो नहीं इस वक्त चल रही क्या पैरेलल में? नो सर, एक एक ये है। जी सर, ये एक ही है बस। तो स्क्रीन मैंने शेयर वैसे की हुई है, इसमें तो आपको नजर नहीं आ रही? पता नहीं शायद सर, इंटरनेट शायद इशू कर रहा है। मैं बाकी लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं ट्राई करता हूँ फिर ज्वाइन करने की, तो फिर देखता हूँ। अच्छा, नजर आ रही है सर, नजर आ रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और स्क्रीन भी है। बस ठीक है, आप रीज्वाइन कर लें। अच्छा, मैं जो है ना लास्ट टाइम छोड़ा था, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिया था। माइक बंद कर दे प्लीज। फिर उसके बाद जो है, न्यू बनाया सर जी, क्या कह रहे हैं? मैं समझा, न्यू टीम्स बनाए सर आपने? नई टीम तो नहीं है ये, मैंने बेसिकली आज लॉग इन किया उससे, टीम्स की ऐप से लॉग इन किया। पहले मैं गूगल क्रोम से करता हूँ ना लॉग इन, आज मैंने टीम की ये सिर्फ चेंज किया। तो इसमें आप लोग क्या मतलब, कोई नई टीम बन गई है क्या? नहीं सर, वो शो नहीं हो रहा था, अभी शो हो रहा है, काफी लेट हुआ। थीम चेंज हो जाता। अच्छा, एक काम ये करें ना, अब वो उसका लिंक टीम का शेयर कर लें व्हाट्सएप, ताकि लोग दूसरे लोग ज्वाइन कर लें। मैंने सिर्फ आज ये चेंज किया कि जो इधर इनकी ऐप इंस्टॉल हुई हुई है ना इस कंप्यूटर में टीम्स की, उससे लॉग इन किया। पहले मैं नहीं करता, पहले क्रोम से करता हूँ। ठीक है, अच्छा हमने, हाँ जी, तो पावर रिलेशन की हमने बात की थी। इसमें ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है कि कुछ लोगों के पास बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा पावर हासिल हो जाती है। और वो तो वैसे भी कंप्यूटर के अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी की कोई भी बात करें तो दैट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, क्या कहते हैं, रोड पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो उसके बस सुजुकी मेहरान है, दूसरे के पास जो है ना करोला है, तो जाहिर सी बात है करोला गाड़ी की अपना एक जो है वो क्या कहते हैं, गाड़ी की प्रोफाइल भी होती है, उसकी फीचर्स हैं, उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है, उसकी लुक्स है, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी रोड पे,
तो उससे एक ना उनके दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप पैदा होता है जब वो गाड़ी चला रहे थे कि एक ज्यादा बेहतर पोजीशन पे दूसरे के मुकाबले में। तो इसी मतलब ये कि अगर वो उसको फॉर एग्जांपल उसके साथ अनएथिकल या मिसबिहेव करना चाहे तो कर सकता है, कि करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकता है, उस लिहाज से ये लोग करते हैं, तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। इसी तरीके से जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी आपको दूसरे से स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है, या एक बेहतर पोजीशन पे। जैसे आप इफ यू हैव इफ सपोज यू हैव कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम का पूरा एक नेटवर्क मौजूद है आपके पास, और आपके पास आप आईटी मैनेजर हैं, आपके पास तमाम जितने भी लोग हैं उनकी तमाम हर तरह की डेटा ईमेल्स आ रही हैं, अगर आप उनकी वो है उसको यूज करना चाहें, करना तो नहीं चाहिए, अगर आप उसको देखना चाहें तो आपके पास यू हैव दैट पावर। तो उसमें जो है ना बंदे को फिर एथिकली बिहेव करना चाहिए, ये बेसिकली पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो अगली बात आई थी ना वो प्रॉपर्टी मिलिट्री वेपन्स की इन्होंने बात की थी, ठीक है। फिर आगे हमने यहाँ पे छोड़ा था मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी का, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किसी से किसी ने कोई किताब लिखी है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी आप उसको और वो मार्केट में बेच देते हैं, अब आप खरीद के घर ले आते हैं, ठीक है, आप उसके ओनर बन जाते हैं। तो अब आप उसके ओनर बन गए तो क्या आपके पास ये राइट भी हासिल हो गया कि आप उसके ओनर हैं, आप जो मर्जी उस किताब के साथ करें, उसको फोटो सेट करें, उसको बांट दें लोगों में? नो। तो किसी एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बात कही थी कि जो उसका जो कंटेंट है उसके आप ओनर नहीं बने, जो उसमें लिखा हुआ है वो उसी ऑथर का है, कॉपीराइट है उसका, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली हमने बात की थी। तो अभी हम जो है ना बात करने जा रहे हैं रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी की, थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। तो होता यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है उसका एक रिवाज जो है अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो उसमें अब आपको पता है कि ये इसका मतलब क्या होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का, एक है कंपनी उसने एक चीज़ बनाई है उसको एक फेयर प्राइस पे सेल करना चाहती है, हैकर्स उसको कहीं से हैक करके उसमें क्रैक्स डाल के उसको जो है वो आगे मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और वो आपको फ्रैक्शनल प्राइस पे मिल जाती है चीज़। तो दिस थिंग जो है ना इस like showing no respect for someone's property, तो इसलिए this is unethical। software के अलावा information है, फिर hardware है, hardware के अंदर हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो physical hardware की requirements होती हैं, तो उसमें आपको ये उसमें ज़्यादा restrictions लगा सकते हैं, software में ये काम ज़्यादा आराम से हो सकता है। फिर computer related embezzlements हैं, embezzlement कहते हैं theft और misappropriation of funds placed in one's trust or belonging to one's employer, it involves unauthorized or improper or unlawful use of funds or, यानी मतलब आसान अल्फाज में ये है कि embezzlement हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप यू आर द फंड मैनेजर या कोई बैंक के अंदर आप जो है ना फंड मैनेजर हैं, कुछ लोगों ने पैसे रखवाए आपके पास, आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनके पैसों को खर्च कर देते हैं, कुछ उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं, या आप उसे जो है वो उसको इस पर आपने कोई तजारत की उसमें से फ़ायदा उठा लिया, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, उससे परमिशन नहीं ली इसकी, या आप इस तरह से भी हो सकता है कि आपने जो है वो आप उसने आपके पास पैसे रखवाए और आप उसके पैसे खा गए, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड एम्बेजलमेंट क्या होगी आपकी, वो उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा होगा। थेफ्ट और सॉफ्टवेयर डेटा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, ये तो ठीक है आपको उन्हें पढ़ा होगा, ये हमारे डोमेन में भी ज़रूरत भी नहीं है बताने की कि डेटा का क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ना आपका कंप्यूटर रिलेटेड एम्बेजलमेंट बेसिकली क्या है कि वो फ्रॉड या वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर दैट एम्बेजलमेंट, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर एम्बेजलमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड एम्बेजलमेंट या कंप्यूटर एम्बेजलमेंट। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। अच्छा, अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ना वो ये है कि एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एल्गोरिथम सोर्स कोड और मशीन कोड, ये जो तीन चीज़ें हैं ना इनकी इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोटेक्ट अगर करते हैं तो उसके लिए उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट का प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बाहर निकला तो किसी को पता चल गया तो देर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर इट, दे विल यूज दैट। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी टेक्निक लगाई थी मार्केट में जब वो जाती है तो समवन एल्स नोज दैट फाइंड्स दैट आउट एंड यूजेस दैट, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का। तो उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उसको सीक्रेट रखें, टेक्निक को जो है एज अ ट्रेड सीक्रेट सीक्रेट रखें। ट्रेड सीक्रेट का जो है ना अंडर द यूनिफॉर्म ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट
A trade secret is defined as information that derives independent economic value because it is not generally known or readily discernible, discoverable, determinable, and it is subject of efforts to maintain secrecy. जो ट्रेड सीक्रेट है ना उसको हमें सीक्रेट रखने के लिए बाय एफर्ट बाय इंटेंशन उसको सीक्रेट रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन है जिससे जो है कोई आप इकोनॉमिक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जनरली लोगों को नहीं पता होती और वो अगर पता चल जाए तो इसका फायदा उठा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड सीक्रेट एंड वी हैव टू इंटेंशनली बाय एफर्ट कीप इट सीक्रेट। तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है अगर कोई ट्रेड सीक्रेट ऐसा है तो वो आप उसको अगर छुपा के बीच में आपने डाला हुआ है किसी तरह से टेक्निक को, तो जब तक वो छुपी रहेगी उस वक्त तक तो प्रोटेक्टेड है, बट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड तो देन इट गोज आउट, फिर कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। उससे हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है कि सॉफ्टवेयर पेटेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। सॉफ्टवेयर पेटेंट्स आर डिफिकल्ट टू नॉर्मली ऑब्टेन, जो दूसरे पेटेंट्स होते हैं हार्डवेयर के वो फिर जल्दी मिल जाते हैं। पेटेंट में क्या है कि पेटेंट्स आर अ राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर दैट अलाउज देम टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स फ्रॉम मेकिंग यूजिंग और सेलिंग देयर इन्वेंशन फॉर 20 years। आपने कोई अगर जैसे आप अगर एक्रोबैट खोलते हैं ना उसका डॉक्यूमेंट तो उसमें बहुत सारे पेटेंट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं नंबर, सो मैटलैब में भी आते हैं। तो जो भी आपने अगर कोई टेक्निक कोई एल्गोरिदम कोई चीज़ इन्वेंट की है खुद से बनाई है तो आप उसको पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करा लें एंड देन नोबडी विल बी एबल टू यूज इट। अगर कोई यूज करेगा और आप उसको जो है पकड़ लेते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं या कोई कहीं किस लेवल पर कैच हो जाता है तो वो उसके बड़े सीरियस किस्म के फाइन होते हैं और मसले मसाइल होते हैं, सू हो जाता है। तो US गवर्नमेंट इसको जो है ना उसकी एक कस्टोडियन होती है और के लुक आफ्टर करती है। दूसरा ये कि अगर कोई यूज करना चाहता है आपके पेटेंट को तो ही मस्ट पे सम रॉयल्टी, वो कुछ पैसे पे करेगा उसके वो आपको मिलेंगे। तो लोग अपने जो है ना टेक्निक्स अपनी जो एल्गोरिदम्स आप लोग भी अभी नोट कर लें कि अगर कोई सॉफ्टवेयर सपोज डेवलप करते हैं अपने FIP में आगे चल के तो कोशिश कीजिएगा उसको पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करवा लें। फाइल करना होता है, इसका प्रोसीजर होता है, इसमें पेटेंट लॉयर्स होते हैं, सब काम हो जाते थे पाकिस्तान से बैठे बैठे। इवन पाकिस्तान का जो US पेटेंट है ना तो हमारे अपने भी पेटेंट्स होते हैं, ठीक है, मगर उनकी उस तरह की वैल्यू नहीं होती जैसे कि US पेटेंट्स की। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको आप रजिस्टर करा लेते हैं, कोई पेटेंट लॉयर हायर करते हैं, उसको फीस देते हैं, फिर वो फॉर्मेलिटी होती है तो काम हो जाता है आपका, अगर वो इस काबिल है कि इसको एज अ पेटेंट वो रजिस्टर हो सके। तो लोग करवाते हैं और फिर पेटेंट का फायदा ये है कि आप जो है वो उस पर आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी अगर वो कोई यूजफुल चीज़ है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स नॉर्मली बुक्स के होते हैं, रिटन मटेरियल के होते हैं। तो कॉपीराइट लॉज क्या कहते हैं जी कि एल्गोरिथम्स कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड कैन बी डिस्कवर्ड बाय एनीवन। जो एल्गोरिथम्स हैं वी कैन नॉट कॉपीराइट, क्योंकि वो जो है ना मैथमेटिकल फार्मूला से आ रहे होते हैं एंड दे आर मोर टूवर्ड्स एकेडमिक, मोर एकेडमिक, तो आप उनको जो है ना उस तरीके से कॉपीराइट नहीं उन पे लगा सकते। इक्वेशंस हैं, आप ये नहीं कह सकते ये मेरी इक्वेशन थी अपने मेरे कैसे यूज कर लिया आपने, एक इक्वेशन थी वो तो यूज की जा सकती है, रेफरेंस दे दें कि फलाने ने ये इस तरीके से बनाई थी। दूसरा ये कि जो मशीन कोड होता है आपका, पहले हमने मैंने बताया था ना आपको तीन चीजें होती है, एल्गोरिथम, सोर्स कोड, मशीन कोड। एल्गोरिथम डेवलप होता है, फिर उसके बेसिस पे जो है वो कोडिंग होती है, प्रोग्राम आप बनाएंगे, फिर उसको कंपाइल करके या असेंबल करके आपने जो है कंपाइल करके ही मोस्टली उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर। तो मशीन कोड के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर इन फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, दे आर नॉट इंटेलिजिबल, सो वी कैन नॉट कॉपीराइट देम, मशीन कोड को कॉपीराइट नहीं कर सकते आप। सोर्स कोड कैन बी कॉपीराइटेड, सोर्स कोड आपका भले हायर लेवल लैंग्वेज में हो या सी या इवन असेंबली लैंग्वेज में हो, दैट कैन बी कॉपीराइटेड, क्योंकि वो एक इंटेलिजिबल मटीरियल होता है, जैसे उसमें कमांड्स लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस उसकी होती है, मूव ए कॉमा बी इस तरह करके। असेंबली लैंग्वेज तो नहीं पढ़ी होगी अभी आप लोगों ने, शायद आगे पढ़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो डज अ कंपनी स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर इफ इट बायज वन कॉपी एंड देन रिप्लेसेस दिस। अगर एक कंपनी सपोज सॉफ्टवेयर परचेज करती है, फॉर एग्जांपल मैटलैब की मिसाल ले लें, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी परचेज करती है और उसके बाद वो आगे उसने जो है अपनी एक लैब बनाई, उसमें 10 computers थे, उसके लिए परचेज की, अब वो उसमें से एक कॉपी अपने स्टूडेंट्स को दे देती है और पीछे फैकल्टी को फैकल्टी वहाँ से ले देती है, तो क्या ये सही है, एथिकल है या अनएथिकल हुआ, ये मेरा सवाल आप लोगों के सामने रखा है। हैं जी सर,
रिपीट करेंगे कुछ क्वेश्चन? मेरा ये है कि जी जैसे एक आपकी यूनिवर्सिटी ने सपोज मैटलैब सॉफ्टवेयर जो है ना एक लैब एक कंप्यूटर लैब बनाई, उसके अंदर मैटलैब सॉफ्टवेयर जो है ना 10 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया और वो उधर से राइट्स सॉफ्टवेयर को परचेज किया 10 कंप्यूटर्स के लिए। अब उसने रखा हुआ था सर्वर पे, एक फैकल्टी मेंबर आया उसने जो है ना वो मैटलैब उठाया और ले गया जाके अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया, 2-3 स्टूडेंट्स अपने घर पे अपने ले गए डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया, तो क्या ये ठीक है, जायज है? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ने परचेज किया हुआ इसको, जायज है ये? नहीं सर। यस सर, क्योंकि हम पे करते हैं यूनिवर्सिटी को। नहीं, यूनिवर्सिटी को तो पे करते हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी ने परचेज किया 10 कंप्यूटर के लिए, उससे जो आगे 10 और के अंदर वो इंस्टॉल हो गया, तो वो मैं उसको उसका पूछ रहा हूँ कि आपने तो चलो यूनिवर्सिटी को पे कर दिया ठीक है, लेकिन ये कि वो लैपटॉप जिनने जो इंस्टॉल किया मैटलैब, वो एथिकल होगा या अनएथिकल होगा, जायज होगा नाजायज होगा, क्या आप क्या जायज होगा? ये चीजें सारी तकरीबन मोस्टली जो है ना ओपन सोर्स होती है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, इस पे कोई इतनी खास मान्यता वगैरह तो नहीं है आई थिंक। मैटलैब सॉफ्टवेयर या इस तरह के कोई और सॉफ्टवेयर ले लें, इवन विंडोज ले लें, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। यूनिवर्सिटी ने देखे होता है ये कि अपने लैब में परचेज किया ना यूनिवर्सिटी ने, तो वो 10 कंप्यूटर के लिए परचेज करेगी, अगर 50 के लिए ले रही है तो उसकी कोई और प्राइस होगी, तो 10 पे इंस्टॉल कर लिया ठीक है, अब आप 10वें से ज्यादा की इजाजत नहीं है आपको, आप 10वें से ज्यादा पे करेंगे ना तो वो नाजायज हो जाएगा। तो ये और बात है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेते हैं, क्रैक भी हो जाता है इसका, सारा कुछ हो जाता है पाकिस्तान में, लेकिन नहीं होना चाहिए असूलन, असूली तौर पे, असूल ये कहता है कि नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने परचेज किया मिसाल के तौर पे 10 कंप्यूटर के लिए, अब 11वें 12वें के लिए नहीं परचेज किया होगा, तो वो ये बात असल में, तो ये एथिकल नहीं हो सकता, ये अनएथिकल होगा, तो ये भी नोट करने वाली बात है। पाकिस्तान में तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का एक वो रिवाज चलता है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि ये अगर हो भी रहा है तो कम से कम इसको अनएथिकल समझना चाहिए कि यह अनएथिकल है, ऐसे नहीं आप कह सकते कि यूनिवर्सिटी ने परचेज किया है, मतलब यूनिवर्सिटी से हम ले सकते हैं फ्री उसके वजह से कि हम उसको फीस पे करें वगैरह वगैरह जो भी रीजन आप, वो उसको एथिकल नहीं बना देता, पॉइंट ये है कहने का मेरा, ठीक है? तो हाँ, तो क्या मतलब ये कि आपने एक बंदा है जो कंपनी है मैथवर्क्स, उन्होंने दे सोल्ड दैट मैटलैब सॉफ्टवेयर फॉर 10 कंप्यूटर्स क्लियरली, अब अगर आप 11th या 12th पे इसको करेंगे तो वो आपका अनएथिकल होगा, ठीक है, एथिक्स के अगेंस्ट होगा। अच्छा, एम्बेजलमेंट जो है ना, वो कंप्यूटर एम्बेजलमेंट की हम बात कर रहे थे, तो एम्बेजलमेंट the fraudulent taking of another person's property with which one has been entrusted, embezzlement हम कहते हैं कि किसी की जो है ना fraudulently taking someone else's property, ये जो है ना एक computer related embezzlement थी कि आपने MATLAB software ऐसे लिया और फिर वो आगे जो है unauthorized लोगों को दे दिया, तो ये इस category में ही आएगा computer related embezzlement। अच्छा, मिसाल देखें, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉडुलेंट टेकिंग ऑफ समवन एल्स प्रॉपर्टी में एक मिसाल ये है कि इफ़ ओनर ऑफ अ कार लोन्ड इट टू हिज फ्रेंड बट द फ्रेंड टुक इट अवे, वो कार लेके भाग गया, तो दैट इज एन एम्बेजलमेंट ऑफ कार, ठीक है? तो कंप्यूटर रिलेटेड एम्बेजलमेंट्स भी होती हैं, टू मैनिपुलेट द कस्टमर्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, टू स्किम द अकाउंट फॉर क्रिमिनल यूज, डेटा डिडलिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हैक करने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसमें से जो है उसको मिसयूज करने के लिए, मैलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम के साथ खराबी करते हैं या डेटा चुरा लेते हैं बीच में से आपकी। इसके अलावा लॉजिक बॉम कमांड्स हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्ड, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसके अंदर कुछ ऐसी अपने इंस्ट्रक्शंस रखी हैं कि उससे जो है ना वो एक आपकी डेटा डिलीट कर दें या उसमें से इलीगल फंड्स ट्रांसफर करा दें या आपकी डेटा लेके कहीं पे सेंड कर दें, अपलोड कर दें, किसी को भेज दें। एंड देन कंप्यूटर वायरसेस दैट कैप्चर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉनिकली अनऑथराइज्ड सोर्सेस। बाकी ये सारे आपके एम्बेजलमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं, स्पूफिंग और ये बफर ओवरफ्लो स्टैक वगैरह, इसके ब्लू स्नार्फिंग और ब्लू बगी, ये ब्लूटूथ से रिलेटेड है कि आपने जो है वो उसमें से डेटा वगैरह चुरा ली या आपने जो है उसके इंटरसेप्ट कर लिया कम्युनिकेशन को। कंप्यूटर एम्बेजलमेंट्स आर व्हाई दे आर सो डिजास्ट्रस, बिकॉज ऑफ स्पीड, ज्योग्राफिक कवरेज कंप्यूटर की बहुत वास्ट होती है, कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड बहुत हाई होती है और बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हो जाते हैं,
एंड देन इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेस द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस, और जो के बीच में चोर हैं, हैकर्स हैं, उनको ढूंढना इतना आसान नहीं था. उनके अगर फिजिकली कोई काम कर रहा है तो एक उसकी फिजिकल प्रोफाइल होती है, जो है वो कोई अगर फिजिकली कोई बंदा चोरी कर रहा है तो वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, लेकिन कंप्यूटर पे अगर वो कर रहा है तो वो एक यानी सॉर्ट ऑफ साइबर स्पेस में ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं टेक इट एज अ चैलेंज और फिर इसमें इस दुनिया में आ जाते हैं, कि ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है क्राइम्स की, जो कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स होती है. कैसे इसको रोका जा सकता है कंप्यूटर रिलेटेड एम्बेजलमेंट्स को? स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर पासवर्ड्स, एनक्रिप्शन टेक्निक्स, नेवर लॉग ऑन फ्रॉम सम अदर समवन एल्सेस कंप्यूटर, नेवर गिव एनी काइंड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, मदर्स नेम होता है, शिनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, डोंट गिव इट बाय ईमेल और फोन. फोन पे भी अगर आप दें तो कोई रिकॉर्ड हो रही हो कॉल और बैंक का कोई ऑथेंटिक नंबर हो. अक्सर जो है ना कॉल्स आती हैं जिसमें वो नंबर जो है ना ऐसे ही किसी ने जो है ना वो मतलब ये इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑथेंटिक बैंक नंबर, ये भी रजिस्टर्ड नंबर हो बैंक का, ये उनकी वेबसाइट से कहीं से अवेलेबल हो, वेरीफाइड हो, उस पर जो है ना आप रिवील कर सकते हैं और वो भी रिकॉर्ड हो रही है. और बी कॉशियस ऑफ समवन यू डोंट नो अबाउट ट्राइंग टू गेन एक्सेस थ्रू यू. अच्छा, एक और चीज़ ये कि आप ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, मोबाइल फोन आपका जो है वो एक मोबाइल फोन इज इटसेल्फ अ कंप्यूटर, पूरा आपका जो है ना कंप्यूटर होता है. ठीक है, एंड स्मार्टफोन जो है, अच्छा उससे सब काम हो सकता है. और अगर ना भी हो तो अगर आपका एक नॉर्मल मोबाइल हो ना ऑर्डनरी, तो भी ये बात याद रखिएगा कि कोई बंदा जरूरतमंद आपको स्टेशन पे कहीं पे मिलता है, आप उसको अपनी नंबर्स कहता है जी बड़ी इमरजेंसी है, मेरा क्रेडिट खत्म हो गया या मेरी बैटरी खत्म हो गई, अपने नंबर से उसको या उसको जो है ना अपने नंबर फोन से कहीं पे कॉल ना करने दें. ठीक है, इस असूल को याद रखिएगा. कभी किसी ने ऐसा के सोचा है इस बारे में, ये पता है आप लोगों को या बस ऐसे ही आप लोग क्या कहते हैं? है जी, मेरी बात वैसे तो एहतियात इस हवाले से कौन कौन करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ बेसिकली. सर एहतियात तो करते हैं लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब देखिए जी कोई जनरली भी होते हैं सर, मजबूर होते हैं. भाई मेरी बात सुने ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यंग हैं खास तौर पर, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया है कि कोई जनरली मजबूर हो या बना हुआ हो, यू डोंट नो दैट. आपके नंबर से अगर वो किसी नंबर पे कॉल करता है तो ये आप ना करने दें उसको. ठीक है, अपना मोबाइल अगर वो जो है फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल की बैटरी खराब, उसको कोई अल्टरनेट रास्ता उसकी मदद अगर आपने करनी है ना, अल्टरनेट रास्ते से मदद कर दें. अगर उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है तो आप अपनी बैटरी निकाल के उसको दे दें कि यार तुम ये अगर लग सकती है उसमें फॉर एग्जाम्पल, या उसको चार्ज करा दें. ठीक है, इवन उसकी सिम भी अपने मोबाइल में ना लगाएं. और दूसरा जो है ना वो ये है कि उन कॉल तो किसी सूरत में करने ना दें अपने मोबाइल से इसको. वजह उसकी ये होती है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब आप लोग छोटे बच्चे थे ना, बिल्कुल फिफ्थ सिक्स में होंगे, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना वो होगी ईयर 98, 99, 2000 के आसपास की, और आप होंगे 4-5 साल के. उस वक्त ये वाकयात हुआ करते थे, मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो लोगों को इतना शऊर नहीं था. वो क्या करते थे जी के मोबाइल किसी ने इसी तरीके से बहाना करके मांगा, उन्होंने उस मोबाइल से जो है कॉल कर दी आगे क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को, या उन्होंने ऐसे नंबर पे कॉल कर दी कि आगे उन्होंने डिवाइस लगाई होती थी, एक्सप्लोजन हो जाती थी, तो वो ट्रेस ही नहीं होता था कल्प्रेट. और जो शरीफ आदमी बेचारा है वो फंस जाता था इसमें, क्योंकि उसका जो है मोबाइल मिस यूज हुआ, उसका नंबर आ जाता है उसके पास. तो अगर आप भी ऐसे किसी से मोबाइल शेयर करते हैं और वो आगे से क्रिमिनल हो तो वो तो आपको पकड़ के ले जाएंगे कि भाई तुम्हारे नंबर से एक कॉल आई थी, इसको किसी को उसने अगवा किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और वो आपका नंबर लेके इधर आगे कहता है जी कि फलानी जगह पे आ जाओ, या कोई भी बात उससे कर लेता है आपको, यू नेवर नो द अदर पर्सन. तो ये तो उसकी मदद करने के चक्कर में आप अपने आप को फंसा देंगे. इसलिए मैं खास तौर पर ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, मोबाइल उनके पास होता है, मिस यूज़ हो जाता है. इवन ईमेल चली जाए अगर आपके उससे, या कोई किसी का व्हाट्सएप नंबर हो, या कोई वेबसाइट एक्सेस हो जाए, तो यू हैव टू बी केयरफुल. ऐसे किसी को यूज़ ही ना करना है. अगर यूज़ कराना है तो अपनी निगरानी में यूज़ कराएं किस पे यूज़ कर रहा है, और अननोन नंबर पे तो हो रही ना दें इसको कॉल. इस चीज़ का भाई ख्याल रखना आपकी अपनी सेफ्टी के लिए. अच्छा, आगे आ जाती है आपकी प्राइवेसी. प्राइवेसी क्या है? अ स्टेट इन विच वन इज नॉट ऑब्जर्व्ड और डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स.
प्राइवेसी कहते हैं स्टेट इन विच वन इज नॉट ऑब्जर्व्ड और डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स, कहते हैं ना मेरी प्राइवेसी खराब हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर बनाया हुआ था कहीं पे, तो सामने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया, आप निकल के बैठते थे वहाँ पे और जो है आपकी बाकी फैमिली के लोग निकल के शाम को चाय पीते थे, अब सामने ब्रिज बना दिया ऊपर से लोग झांक रहे, तो आप कहेंगे हमारी प्राइवेसी खराब हो गई है। तो आप ऑब्जर्व हो रहे होंगे, आपको डिस्टर्ब हो रहे होंगे बाकी लोगों से राहगीर के गुजरने से। तो इसी तरीके से आपकी डेटा की प्राइवेसी भी होती है कि आप जो है क्या कहते हैं अपने डेटा, अपनी तस्वीरें रखी हुई हैं, आपकी तस्वीरें कोई अनऑथराइज बंदा ले लेता है, स्पेशली खवातीन के हवाले से। तो दूसरा ये कि एक और प्राइवेसी भी आपकी होती है कि आप बगैर किसी इजाके जो है ना इजाजत के उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी तस्वीर भी नहीं खींच सकते, उसकी वीडियो भी नहीं बना सकते, उसकी आवाज भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। नोट दिस थिंग, अगर आपने किसी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया तो कहीं पे पेश करेंगे ना, जब उस एविडेंस को सबसे पहले आपसे वो यही कहेंगे क्या आपने परमिशन ली थी इनसे रिकॉर्ड करने की कि नहीं, ये नोट कर लें इस बात को। पहले ये चीज नहीं होती थी, अब ये चीज आ चुकी है, बताया ना ये चीज आप लोगों को। यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, बी श्योर टू लेट एवरीवन नो दैट दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। ये देखें आपकी टीम्स में भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, बी श्योर टू लेट एवरीवन दैट यू दे आर बीइंग रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्ड अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू टेल द अदर पर्सन। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं ना, कोई मीटिंग है और आप मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो यू मस्ट टेल हिम के जी आई हैव अ रिकॉर्डिंग डिवाइस एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, जो भी आप होगा ना रिकॉर्डेड सेशन होगा। तो ये नहीं कर सकते कि आप उससे मिलने के लिए गए और आपने जो है ना छुप के स्पाइंग डिवाइस लगा के रिकॉर्डिंग कर ली, अगर किया तो वो आपको पकड़वा सकता है इस बात पे कि आपने मेरी परमिशन के बगैर जो है वो रिकॉर्डिंग कैसे की, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाती है बात, ठीक है। अच्छा, वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद मच मोर ईज पोजेस सीरियस थ्रेट टू द प्राइवेसी, कैसे, इनअप्रोप्रिएट एक्सेस और हैकर्स की वजह से। इनअप्रोप्रिएट एक्सेस में क्या है जी, कि मिसाल इसकी ये कि जैसे क्रिमिनल डेटा इज प्लेस्ड ऑन सम सर्वर ताकि इसको सिक्योरिटी ऑफिसर्स एक्सेस कर लें, मगर अदर क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। अदर क्रिमिनल्स कैसे बेनिफिट, उससे क्या उनको फायदा पहुंचेगा क्रिमिनल्स को, है जी, क्रिमिनल्स है, एक क्रिमिनल की डेटा है दूसरे क्रिमिनल को, उससे क्या फायदा पहुंच सकता है, उससे ये फायदा पहुंच सकता है ना कि वो टीम अप कर सकते हैं, एक दूसरे से क्राइम में कोऑपरेट कर सकते हैं इनसे, मतलब ये कि उनका क्राइम की जो है एक टीम बन जाएगी। फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, अगर आपने जो है डॉक्टर से विजिट किया तो वो अगर आपके एम्प्लॉयर हैक कर ले या एक्सेस कर ले या इनअप्रोप्रिएट एक्सेस उसको मिल जाए, तो देट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। कुछ लोग होते हैं अपनी डिजीजेस छुपा के रखते हैं, वो छुपा के रखने का उनका राइट है, तो उसको नहीं बताना चाहते क्योंकि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ एम्प्लॉयर के साथ, तो वो अगर उसको पता चल गया तो ही कैन देन यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लॉइट इट, कि आपकी वीकनेस उसको पता चल जाएगी तो वो आपको। अच्छा, मुझे एक मेरे जहन में बात आई है, अगर सपोज आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अभी आप लोग यहाँ से फारिग हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, यू गो फॉर जॉब इंटरव्यू, आपसे आपका जो जॉब का इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो पूछता है कि टेल मी योर वीकनेस, तो आपका क्या जवाब होगा, यू मस्ट टेल मी वन वीकनेस, ये वो ये आपसे पूछता है सवाल में इंटरव्यू में, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? सर अच्छी वीकनेस बताएंगे जिसका जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो कन्विंसिंग भी। देखें मैं ये तजर्बे की बेसिस पे कह रहा हूँ इसलिए ताकि ये आपको ना, मेरे जहन में एक बात आई थी, मैंने कहा आप सर एक्सपीरियंस शेयर कर लो, आगे जब जॉब के लिए आप जाते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछें जी आपकी वीकनेस, तो एक अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन होता है, कोई अपनी वीकनेस खुशी से नहीं बताता, तो ये अच्छी बात आपने कही है कि कोई ऐसी वीकनेस आप बता दें कि जिसका कहीं पे जॉब से किसी भी लिहाज से कोई ताल्लुक ना बनता हो, और ऐसी बात ना बताएं कि जिसको वो पकड़ लें और उसके बाद फिर वो आखिर तक जो है ना उसको एक्सप्लॉइट आपको करते रहें। एक मैं बंदे को जानता हूँ, उसका एक मतलब ये है कि उसको उससे पूछा उन्होंने जी कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए गया जी आप अपनी, वो बेचारा बड़ा सीधा किस्म का आदमी था, ठीक है, उसने कहा जी मैं वो मतलब ये कि उसने सीधा सीधा बोला जी मेरी वीकनेस, उसने कहा वीकनेस तो नहीं बताई जाती, उसने कहा नहीं बतानी तो है आपको, ये क्वेश्चन हमने दे रहे हैं इस इंटरव्यू का, तो उसने कहा ठीक है, फिर उसने कहा कि मेरी वीकनेस जो है ना वो ये है कि मुझे बहुत गुस्सा बहुत आता है, तो उन्होंने जो है ना वो कहा पकड़ ली ये बात, उन्होंने उस वक्त उसको फिर थोड़ा बहुत मतलब ये कि लेफ्ट राइट के क्वेश्चन की उसने उसको कवर अप कर लिया,
तो के उसने कहा यही इस इन लाइंस पे कहा जी कि आप फिर काम कैसे करेंगे ये वो, तो उसने कन्विंस कर लिया उनको जॉब पर। आखिर तक जब वो बंदा उस इदारे में रहा तो ये एक चीज जो है ना हर लेवल पे रेज होती रही। हालांकि उससे ज्यादा जो है ना गए गुजरे किस्म के लोग थे, मगर चूंकि अपने मुंह से उसने अपनी वीकनेस खोल के बता दी थी उनको, तो वो उसको एक्सप्लॉयट करते रहे आखिर तक। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, कोई ऐसे आप सेशंस वगैरह ले लें इंटरव्यू की, प्रैक्टिस वगैरह कर लें। दूसरा ये कि आप जो है ना अपनी जिस तरह इन्होंने बताया कि कोई ऐसी वीकनेस बताएं कि जो कोई इतनी आपको वनरेबल ना करे और आपकी जॉब से इसका कोई ताल्लुक ना हो, तो कुछ भी हो सकती है। क्या कोई मिसाल दे सकता है किस तरह की हो सकती है? जैसे आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें एज अ प्रोग्रामर आपको हायर मतलब उसके लिए आप इंटरव्यू की दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इंटरव्यू लेते हुए आपसे पूछता हूँ जी आप अपनी एक वीकनेस बताएं मुझे, तो क्या जवाब होगा, किस तरह की वीकनेस बताएंगे आप? मैं सोशलाइजिंग नहीं करते इतना ज़्यादा, इतना सोशल नहीं है। ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं होगी? वो ये कह सकते हैं भाई कंपनी के अंदर तो आपको सब टीम वर्क करना पड़ेगा, तो हाँ आप सोशलाइज नहीं ये कर सही सकते, कह आप रहे, मुझे कुछ कैसे और सोचो। हैं? सोशल होना तो बड़ी वीकनेस आ जाती है बंदे की। बड़ा वीक आजकल के जमाने में इट बिकम्स क्या कहते हैं बेक सब पर्सन वनरेबल। कोई और कोई ऐसा सोचे वो सर बताए क्लास में, इसलिए ये रख रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी ना तो कल को काम आ जाएगी आपके। ठीक है, कुछ अरसे कुछ 6 महीने 7 8 महीने बाद आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे। या कुछ कोई भी ऐसी और बात जो आंसर भी हो जाए और पॉइंट भी ना मिले। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए गए, पेंटिंग और आर्टिस्ट के लिए तो नहीं गए ना? अगर आप कहें जी मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग? कि वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि वो कह रहे हो कि जानबूझ किस तरह के, मतलब लेम ये आंसर दे रहे राइटिंग मेरी हो। बहुत खराब है। हाँ ये हो सही सकता है। है, ये भी हो सकता है कि झूठ के ऊपर मुझे मतलब कोई झूठ बोले तो मुझे गुस्सा काफी आता है इस पे। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी आपको गुस्से वाली, मैंने यही तो मिसाल दी थी अपने जानने वाले की, उसको आखिर तक गुस्से नहीं की वजह गुस्से से करते रहे। क्योंकि नहीं, वैलिड रीजन है ना यार उसके आपको पास कि झूठ कोई बोले। गुस्सा आता है। वैसे पता है आपको मैं एक बात झूठ बताऊं, बोले एक चीज आपको बताऊं मैं, जो हम लोगों का मिसकंसेप्शन हो जाता है ना हमारी थोड़ा सा कल्चर में इस तरह से है कि हम लोग ये समझते हैं, और दूसरा ये कि हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें अपनी फीलिंग से इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम जी गुस्से में आए, जोश में आ गए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई, अब हम लड़ाई करेंगे तो हम दूसरे बंदे पे हावी हो जाएंगे, उससे दबेंगे। गुस्सा जो है ना बेसिकली दैट शोज वीकनेस। ठीक है, दैट इज दैट डज नॉट शो स्ट्रेंथ। कोई बंदा गुस्सा हो गया, लाल पीला हो गया, ठीक है, उसका पल्स रेट हाई हो गया, तो वो उसका जो है ना दैट डज नॉट शो स्ट्रेंथ के जी उसमें स्ट्रेंथ आ गई तो वो हावी हो जाएगा दूसरे बंदे पे। नहीं, नहीं होगा, ये गलत मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपकी किसी से फिजिकली लड़ाई हो रही है तो अगर आप टैक्टफुल हैं, मार्शल आर्ट्स अगर आप देखें ना सीखें तो उसमें सबसे चीज पहले बेसिक चीज जो आपको सिखाते हैं ना वो ये है कि आपने गुस्से में नहीं, रेज में नहीं आना, आपने ठंडे होके काम करना है, जो भी मार्शल आर्ट की वो करना है काम। पल्स आपका रेट हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो जानवर इस तरह करते हैं, वो हावी भी हो जाते हैं क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड नहीं होता उस तरह से। अगर हमारा लॉजिकल माइंड है तो हमें ठंडा रहना, आप अगर ठंडे रहेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, अगर आपका गर्म दिमाग गुस्से में आए तो दिमाग काम करना उतना ही कम हो जाता है। तो झूठ बोलना भी अगर गुस्सा आपको आ रहा है तो यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन अ वेरी मतलब बैड वे कि आप उसको बता रहे हैं खुल के, यार मैं जो है ना ये मेरी वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा फिर इस पर। ठीक है, वो झूठ नहीं भी बोले तो वो आपको गुस्से में देखिए गुस्से में लाएगा, ले आएगा आपको गुस्से में आएगा, तो इंसान का जो लॉजिकल माइंड है वो काम करना छोड़ देता है, खास तरीके से बिहेव करता है, और वो उनको पता होता है कि किस तरीके से बिहेव करेगा और वो बंदा जो है उसके काबू में आ जाता है अगले बंदे के। तो जब आप गुस्से में कहते हैं ना सर हंसी इसमें स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है ना अनएथिकल तो नहीं होगी, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कोई अगर खातून हंसे तो फिर आगे पूरा सेंटेंस, इसी तरीके से अगर कोई आदमी गुस्से में आए ना तो गुस्से में आया तो फंसा, ये वाली बात है। ठीक है, गुस्से अपनी बात पूरी कर लें आप। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें लेजीनेस वगैरह भी आ सकती है या ज्यादा सोना। लेजीनेस अगेन आपके काम के अगेंस्ट जाएगी ये वीकनेस, के यार ये बंद वो इंप्रेशन खराब होगा आपका।
लेजीनेस और भी जो है ज्यादा ना, सोना। इसमें मैंने आप लोगों के सामने पूरी 18 लोगों के सामने ये बात रखी है कि बाकी लोगों को मैसेज कर दें ज्वाइन कर लें वरना ये नो एब्सेंट लग जाए इनकी। मैंने इसलिए तो 18 लोगों के सामने बात रखी क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कोई अच्छा आइडिया आ जाएगा ना, और फिर वो आप लोग बाद में फिर जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज याद होगी। राइटिंग का मैंने मशवरा दिया था आपको, तस्वीर बनाने का मशवरा दिया था मैंने। जो मैंने सोचा था वो इस तरह का था कि बीइंग टू एक्सट्रीमिस्ट, कि आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि आप मल्टीटास्किंग नहीं है, और आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि जो जॉब मतलब जो भी काम करते हैं उसको परफेक्ट करते हैं, तो ये वीकनेस भी नहीं है परफेक्शनिस्ट, और उस देखिए मेरी बात तरह। सुनिए बस। हाँ परफेक्शनिस्ट। अच्छा आप एक काम करें, आप लोग ना सर्च कीजिएगा इसको इंटरनेट पे और आगे पीछे जो है ना आपको मटेरियल मिल जाएगा इसके, तो ये इसका सवाल का जवाब तैयार करके रखिएगा। एक्सट्रीमिस्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जो भी आप अभी कह रहे थे ना एक्सट्रीमिस्ट का जो वर्ड इटसेल्फ, ये टर्म है ना एक्सट्रीमिस्ट, ये एक वैसे एक बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशंस रखती है। ठीक है ये मत बोल दीजिएगा कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ इसमें, तो ये वो एक्सट्रीमिस्ट का कुछ और मतलब होता है। परफेक्शनिस्ट आप कह रहे हैं जी, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर काम के अंदर जो है ना परफेक्शन तलाश करता हूँ, मैं हर चीज में परफेक्शन तलाश करता हूँ, तो ये एक लिहाज से आप अपनी वीकनेस भी अच्छा आपने बोला है, क्या वीकनेस भी बता रहे हैं दूसरी तरफ से अपनी तारीफ भी कर रहे हैं। परफेक्शनिस्ट काम में परफेक्शनिस्ट तो बहुत ही ज्यादा जो है ना परफेक्शन चाहता है, कोई इसमें मिस्टेक ना हो और बिल्कुल बेस्ट तरीके से काम हो और मोस्ट एफिशिएंट तरीके से काम हो, तो ये उस लिहाज से बात आपकी बिल्कुल उसमें वजन है कि एक लिहाज से आप अपनी वीकनेस भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ से वो आप उसको जो है वो ये भी शो कर रहे हैं कि अच्छा एक कैंडिडेट है, मगर वो आपको यही आगे से कहेगा यार तो आपकी कमजोरी तो ना हो, तो आपकी स्ट्रेंथ है, फिर क्या जवाब देंगे आप। सर इसमें वो ये भी तो हो सकता है कि वो जुनूनी हो, मतलब जो भी काम करना चाहते हो, इससे मतलब अपना कमजोरी फुल इस अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। सर की कमजोरी हाँ वही ना, इसलिए कि हर परफेक्शनिस्ट आता है ना, काम पूरा परफेक्शनिस्ट नहीं होता ना, मतलब कि दो परफेक्शनिस्ट टास्क डेडलाइंस किए लेकिन एक काम ना उसने अच्छी बोलो तरह किया। कि हाँ, तो आप ना एक काम ये कीजिएगा कि अभी मैं वापस टॉपिक पे जा रहा हूँ, एक दफा सर्च करके ना जो भी रिसोर्सेज इसके हवाले से मौजूद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लिटरेचर, उसको देख के देखें कि क्या इसका अच्छा जवाब होगा कि जो कि आपके लिए नेगेटिव असर भी ना पड़े और एक अच्छा कन्विंसिंग जवाब भी मिल जाए, क्योंकि ये सवाल ना पूछते हैं लोग इंटरव्यूज में। अच्छा जी तो हम फिर आगे जा रहे थे, बात कर रहे थे इनअप्रोप्रिएट एक्सेस की, हमने बात कर ली थी ठीक। दूसरा हैकर्स, हैकर होते हैं जो कि दे आर कंप्यूटर क्रैकर्स हु कंपल्सिवली चैलेंज एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम्स, इफ यू टेक दिस पॉजिटिव तो दिस इज अ स्टिमुलस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो ज्यादा केयरफुल हो जाए अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के हवाले से। ठीक है देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, वो आगे चल के आएगा, वो भी आपके कोर्स में शामिल है इंशाल्लाह, उस पर भी हम पूरा लेक्चर रखेंगे ठीक है। वो उसमें मकसद है एथिकल हैकिंग, हैकिंग होती है पर वो इस तरीके से होती है, इसकी नियत और इसके नतायज जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होते हैं, यूजफुल होते हैं, बजाय इसके कि चुराने के और क्रिमिनल मकासद के लिए यूज करना। देन वी हैव द एडिशनल इश्यूज कि कंप्यूटर फेलियर हो जाता है उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, अगर जैसे आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम था उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे एक पेशेंट था वो उसको एक्सरे कर रहे थे तो उसका सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ था उसमें एरर था, तो वो वहां से उसकी वजह से वो बंदा का जो है ना शोल्डर का एक्सरे करते करते पूरा उसका शोल्डर ही जल गया और कैंसर हो गया, फिर बाद में मर गया। तो इस हवाले से ना जो ये इसकी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है उसके सिस्टम डेवलपर के ऊपर कि उस अगर वो अपना काम ठीक तरीके से करेगा तो फिर आगे ये इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा कंप्यूटर के फेलियर के हवाले से ये हो सकता है कि जी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा मेल फंक्शन किया, उसकी सेफ्टी और प्राइवेसी की सेटिंग्स आउट हो गई और उसके बाद डेटा उसकी आउट हो गई ठीक है, लीक हो गई और वो बाहर पब्लिक के पास चली गई, तो उसको उस के हवाले से जो मामला हैं इसके, इसको ना आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग इसकी दो तीन स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 13 के हमारा जो आज का लेक्चर है ना उसका टाइम खत्म हो रहा है, वो मैं स्टार्ट करा दूं, पूरा तो नहीं हो सकता वो नेक्स्ट टाइम ही पूरा होगा, लेकिन लेट मी स्टार्ट विद दैट। हाँ हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं पिछले और इस लेक्चर में दैट इज कंप्यूटिंग प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स, अब काफी सारी चीजें कंप्यूटिंग प्रोफेशन से और कंप्यूटिंग प्रोफेशन एथिक्स से जो है ना रिलेटेड हम
पढ़ेंगे इस हफ्ते में इन कमिंग वीक्स में. तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर कि प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. माइकल बेल्स एक फिलोसोफर है, उसने जो है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि प्रोफेशन जो है ना क्या होता है. इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट एंड प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट सर्विस टू सोसाइटी. और मजीद उसके जो अदर कॉमन फीचर्स हैं, फीचर्स कॉमन टू अदर फीचर्स विच आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस आर के एक उसका सर्टिफिकेट या लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर्स होती है, एंड काम करने में ऑटोनॉमी होती है इसको, यानी डिसीजन मेकिंग में. लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, आपके पास 10-15 मेथड्स हैं, तो आप अपनी मर्जी से उन 10-15 में से किसी एक को चूज कर लें अपने टेक्निकल ट्रेनिंग अपने नॉलेज के हिसाब से. ये नहीं कि आपको कोई इन्फोर्स करके मजबूर करेगा कि नहीं तुम इससे नहीं इससे करो, ठीक है. जो आपका जो आपको जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है अगर आप उसको बताएं भी ना, तो उसको अवल तो बताने की उस तरीके से आपको ओपनली इतनी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस उसके मुकाबले में यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू जज के मुझे मेथड ए यूज करना है, बी यूज करना है, सी यूज करना है, कौन सा करना है. तो ये आपने डिसाइड करना होता है, तो उसको ऑटोनॉमी कहते हैं. अच्छा, माइकल डेविस इज ऑल्सो अ फिलोसोफर एंड ही डिफाइंस प्रोफेशंस इन टर्म्स ऑफ मॉरल इशूज. अ प्रोफेशन इज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सेम ऑक्यूपेशन वॉलंटरली ऑर्गेनाइज टू अर्न अ लिविंग by openly serving a certain moral ideal in a morally permissible way beyond what law, market and morality would otherwise require. ठीक हो गया. यानी एक profession, आप मिसाल अपने जहन में कोई भी रख लें, जैसे medical हो गया, lawyer हो गया, these are computer programmer, computer से related जो लोग हैं उनको कहते हैं computing profession से ताल्लुक है इसका. engineer है, electrical engineer, mechanical engineer, computer engineer. अच्छा, एक प्रोफेशन की एक और जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ से मिलती है हमें इस छोटी सी एग्जांपल से कि वेंडी फिशमैन एंड हर कोलीग्स इन गुड वर्क्स प्रोजेक्ट्स एट हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन आर इन्वॉल्व्ड इन अ लार्ज रिसर्च प्रोजेक्ट एग्जामिनिंग हाउ यंग पीपल डील विद द एथिकल प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोफेशंस. द गुड वर्क्स प्रोजेक्ट वेरी ब्रॉडली डिफाइंस प्रोफेशन एज फॉलो. ये जो है इनका गुड वर्क्स प्रोजेक्ट जो जी एक्सक्यूज ये लास्ट में आपको बता दूंगा कि कितना है मोहम्मद जैसे अमीर कर देता है. डीप इंफॉर्मेशन आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, इसी वजह से पिछले बार मुझे सस्पिशियस हुआ था. तो ये तो मतलब ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोगों का सिस्टम किस तरह से बना हुआ है. लास्ट टाइम यही इशू हुआ.
हाँ जी अगर जी मेरे से इसी में तो आप भी मेरे को बता दो मैं करने में तो बता दूँ जी जी बस ठीक है जी बहुत शुक्रिया मेरे का ना अभी तक जी एक्सपायरी डेट बता दूँ जी चलो ठीक है लेकिन यही मैं आपसे करके आप मुझसे ये मैं करता हूँ अगर मुझे बताएं तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि ये आपको सही आपके पास इन्फॉर्मेशन है ओके कर देता हूँ उस तरह से वेरीफाई कर इसको हाँ हाँ जी अब मैं चेक कर देता हूँ कल जी मैं पूछूंगा एक मिनट बोल दीजिए अच्छा जी सॉरी कहाँ पे थे हम लोग तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन्होंने प्रोफेशन को डिफाइन इस तरह से कि वन कैन डिफाइन प्रोफेशन नैरोली इंक्लूडिंग ओनली दोज कैरियर्स सच एज लॉ और मेडिसिन दैट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग द डेफिनेशन यूज्ड हियर इज मच ब्रॉडर इट एनकंपासेस any career in which the worker is awarded a degree of autonomy in return for the services to the public that are performed at a high level according to this definition it is within the power of individual worker to behave like a professional and should she or he choose to do so to ye ek aur definition de diya isko aap ek bar read kar lijiyega acha computing profession hum kisko kehte hain computing profession exhibits all the attributes of a profession computing professional is a person who works in the field of computing information technology aur isme bahut sari mukhtalif wide array of jobs hain so each job usually centers around a specific set of knowledge or skills so computer ethics jo hai this is the branch of engineering ethics that deals with the morals that are concerns that are associated with the computer technology acha ji ab hum kuch na case studies ki baat karenge related to the computing professions ethical issues encountered in computing profession to pehla jo hamare case study hai wo ek case hai fighting injustice आप लोग हैं साथ मेरे लाइन पे जी खैर हैं साथ अभी आप लोग ना yes, ज्वाइन कर लिया करें अभी अटेंडेंस में लगाने लगा थोड़ी देर में आप लोगों की ठीक है अच्छा इसमें क्या था रशेल वाज ए सीनियर कंप्यूटर साइंस मेजर हु वर्कड
part time for IT services at her university. As part of her duties, she needed to install a new printer driver on Professor Page's printer. Professor Page, while rushing off to teach a class, had said, "Go on in, Rachel. Just log me out of the email program and do what you need to do." Rachel jo na wo kya tha ki ek ladki kaam kar rahi thi as a part time kaam kar rahi thi IT services ka at her university and she was a student of computer science department senior jaise aap log hai na is tarike se to senior student thi lekin computer science department ki to usme jo hai na usne part time kaam kar rahi thi IT services ka to uska kaam tha ji ki printer install karke देना प्रोफेसर पेजेस को पेज नाम कैसा उसको रखा है उन्होंने अच्छा वो क्लास लेने के लिए जल्दी में निकल के चले गए उन्होंने उसको कहा रशेल को कि यार लॉग ऑन गो ऑन एंड काम करती रहो और ये मुझे ऑफ लॉग ऑफ कर देना कंप्यूटर से फिर वो क्लास में भाग गई वो मैडम थी प्रोफेसर पेजे वॉज हैविंग अ बैड सेमेस्टर शी हैड नेवर बीन द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन हर इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बट This semester she had become a target of ZT's, a students organization on campus. ठीक है ZT कोई organization, students organization बनाई हुई थी उन्होंने उसका target बनी हुई थी वो teacher जो थी तो ZT जो है ना zero tolerance for bad teaching ZT BT जो है ना वो पूरा नाम था इस group का zero tolerance for bad वो करके आ रहे थे कि ZT's maintain a website which publishes account of what students consider to be bad teaching practices. It includes quotes from the class, examples of grading errors and photos और इस तरह की चीजें जो है ना वो उसको publish करते थे अपनी website पे तो website इस तरह का काम कर रही थी और ये organization जो society बनाई थी वो ये काम कर रही थी अच्छा the website's main attraction are satirical videos made by students. The videos are often very clever at lampooning the organization's targets and are very popular with the students. That semester, the group had been relentlessly making fun of Professor Page's, particularly her clumsiness. वो पीछे पड़े हुए थे इन बैडम्स के प्रोफेसर पेज के. Rachel had taken a class with Professor Page and found her to be a competent teacher who seemed to take a genuine interest in her students. उन्होंने उस लड़की ने पढ़ा था मैडम से और देखा था कि वो तो अच्छी टीचर है खामखा मजाक उड़ाते हैं ये तो रशेल वाज अवेयर दैट ZT's हैड टारगेटेड द प्रोफेसर बट शी हैड नॉट डन एनीथिंग बियॉन्ड वाचिंग एंड एंजॉयिंग द वीडियोस ठीक है उसने खुद कंट्रीब्यूट नहीं किया था उसको डिफेम करने के हवाले से हाउएवर व्हेन शी सैट डाउन टू लॉग प्रोफेसर पेज आउट ऑफ हर ईमेल अकाउंट शी नोटिस दैट प्रोफेसर इनबॉक्स On the screen, her eye happened to catch a subject line that read, "So sorry about your diagnosis." उन्होंने एक ईमेल पढ़ ली उसकी ईमेल क्या थी जी कि उनको कोई डिजीज थी ठीक है सर suddenly the video took a different complexion in Rachel's eyes and all the day distress at what she now perceived as injustice. तो जो उसका मजाक उड़ाते रहते थे ना उनके साथ कोई बीमारी कोई मसला था ठीक है उसकी वजह से वो क्लमजीली बिहेव किया करती थी और वो उसका मजाक उड़ाते थे स्टूडेंट्स और वो डालते रहते थे अपनी वेबसाइट पे तो इन्होंने देखा उनके साथ कोई मसला था जो मेडिकल कंडीशन थी तो फिर उन्होंने क्या किया जी शाम को शी पोस्टेड अ कमेंट ऑन ZT वेबसाइट रिवीलिंग दैट प्रोफेसर पेजे हैज हैड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड आस्किंग दैट शी बी लेफ्ट अलोन उनको मत छेड़ो और उनको जन उनके हाल पे छोड़ दो और उनके साथ मसला मेडिकल कंडीशन है तो एज अ सीनियर कंप्यूटर साइंस मेजर शी हैड वायलेटेड द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ हर जॉब एंड ऑफ हर चोजन प्रोफेशन शी हैड बिहेव्ड अनप्रोफेशनली उसने एक मिस्टेक कर दी सारे चक्कर में मिस्टेक क्या कर दी जी कि उन्होंने उसने जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है ना उसके उस एथिकल उसमें बेसिकली उसको प्रिंटर इंस्टॉल करना था और एज एन आईटी स्पेशलिस्ट उसको इजाजत नहीं है कि किसी की मेल्स पढ़ने की उसको एक्सेस हासिल अगर हो गई है तो उसको शी वाज नॉट अलाउड टू डू इट तो उसने जो है उन्होंने क्या किया कि उसकी ईमेल पढ़ ली थी और उसका एविडेंस भी बना दिया कि जिसकी कंडीशन ये लिखी हुई मतलब उसकी मेडिकल कंडीशन जो है उसके बारे में कमेंट लिख दिया ठीक है पब्लिश कर दिया कमेंट तो उसने एक अनएथिकली बिहेव किया था ईमेल पढ़ ली जो नहीं पढ़नी चाहिए थी और उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया अनइंटेंशनली गलती से उससे ये हो गया नियत उसकी नेक थी
वो चाह ही रही थी कि जी वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी बेस जो मजाक उड़ा रहे थे वो ग्रुप, स्टूडेंट ग्रुप, वो रुक जाए। तो रिशेल जो है ना ट्राइड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर हर एक्शंस, बट मिस्टर मैकफारलैंड वाज नॉट इंटरेस्टेड। रिशेल वाज फायर्ड एंड देर वुड बी नो रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। मैकफारलैंड जिसने उसको मुलाजमत पे रखा हुआ था ना, उसको उसने समझाने की बात कोशिश की कि इसकी इंटेंशन ठीक नेक थी, मगर चूंकि उसने जो है ना वो का जो एथिकल स्टैंडर्ड था उसको ब्रेक किया, उसको अगेंस्ट गई, उसको ब्रीच किया, तो शी वॉज फायर्ड। एंड उसका न सिर्फ फायर किया गया बल्कि उस पर फ्यूचर की पाबंदी लग गई थ्रू आउट हर यूनिवर्सिटी, जब वो जब तक वो यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट रहेगी या मे भी बाद में भी, कि वो कभी भी आईटी का जॉब नहीं कर सकती थी वहां पे उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसने एक बहुत बेसिक जो स्टैंडर्ड था उसको, एथिकल स्टैंडर्ड को वायलेट किया। ठीक है, तो ये केस स्टडी आज के हमारे लेक्चर की थी। अब इसमें इसके कुछ जो है ना रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं, जो पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पहला क्वेश्चन पोजीशन की, पहले तीसरे तीन क्वेश्चंस और पांचवा पोजीशन का है और चौथा कॉन्टेक्स्ट का। कोई पहला क्वेश्चन क्या कहता है जी, कि वर रशेल्स एक्शंस मोरल, एक्सप्लेन। मोरली करेक्ट थे। और दूसरा जो पोजीशन, इसकी जो पोजीशन इसने ली थी काम करने के लिए, कि उसने ये कमेंट कर दिया, जब भी आपको काम करने जाते हैं यू हैव टू टेक अ पोजीशन, स्टांस लेना पड़ता है, तो उसमें जो है ना वो आपका क्या कहते हैं, वो पोजीशन आपने क्या ली है, तो उस उसकी पोजीशन लेनी पड़ती है आपको, कि या तो आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस हवाले से ना ये सवाल पोजीशन का सवाल है। अच्छा, दूसरा ये कि क्या रशेल की एक्शन एथिकल था, ऊपर वाला मॉरल है, दूसरा वाला एथिकल है। तो बस आखिरी एक दो मिनट हैं, इसके बाद हम ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसी से 14 से कंटिन्यू करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि मॉरली करेक्ट था उसका एक्शन, और क्या एथिकली करेक्ट था? एथिकली तो खैर करेक्ट नहीं था, क्या कहते हैं आप लोग, एनीवन? सर ऐसे ईमेल नहीं पढ़नी चाहिए ईमेल नहीं पढ़नी चाहिए थी, एथिकल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट था ये, लेकिन वो इसलिए उसने उसको जो है अनइंटेंशनली जो है उसके सामने आ गई थी, उसने जानबूझ के तो नहीं देखा था ना, उसके सामने आ गई थी जो क्लोज करते करते। ऐसे उसकी गलती भी नहीं है, क्या कह सकते। देखिए, उसकी इंटेंशन तो ठीक थी ना, वो उसको बचाना चाह रही थी, प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। बेसिकली उसने जो कहा ना, बात यही की थी ना उसने, कि जो आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनकी क्लमजीनेस का, तो एक्चुअली इनके साथ मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से इस तरह बिहेव करते हैं, तो आप इसका इनका मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, वो ये उनको कह रही थी। तो उसकी इंटेंशन जो है ना, उसकी इंटेंशन ठीक थी, तो मोरली उसने कोई गलत काम उस तरह से नहीं किया। ठीक है, असूली तौर पे अगर आप देखते हैं जी, ईमेल पढ़ना तो गलत है, ठीक है, लेकिन उसने जो है ना ये काम इसलिए जो है ना, आगे जो उसने जो काम किया था ना, कि पब्लिश कर दी उसके बारे में कमेंट, तो वो उसने नेक नियति से की थी, उसका मकसद उसको डिफेम करना नहीं था। ठीक है, और जो पीछे ईमेल उसने पढ़ी थी तो वो भी उसके सामने गैर इरादी तौर पर सामने आ गई थी उसकी ईमेल। तो मोरली आप उसको कह सकते हैं कि जी उसकी क्योंकि नीयत ठीक थी इसलिए मोरली उसने ठीक काम किया एक लिहाज से, लेकिन एथिकली उसने बिल्कुल टोटली गलत काम किया, बिकॉज ईमेल किसी दूसरे की पढ़ना तो किसी भी लिहाज से जायज नहीं है। ठीक है, एथिक्स और मोरलिटी में मैंने फर्क ये आपको बताया था पहले, कि एथिक्स में जो है ना बाहर से कोई आपको गाइड स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस मिल रही है, और मोरलिटी में आपको अंदर से आपकी जो अंदर की ट्रेनिंग होती है ना, और अपना जमीर आपको जो कह रहा होता है, वो उसको हम मोरालिटी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एथिक्स में और मोरालिटी में। तो वो अंदर से उसकी नीयत खराब नहीं थी, वो नेक नीयती से कैरी कर रही थी, उसका जमीर मुतमईन था, उसका जमीर मुतमईन था, तो वो उसको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रही थी अपने जो बॉस था उसको, मगर एथिकली बाहर का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं एथिक्स के, उसके हिसाब से उसने क्लियर कट वायलेशन की थी। तो इस लिहाज से जो है ना, एथिकली दैट वॉज इनकरेक्ट, दैट वॉज अनएथिकल। तो ये तो दो सवाल हमने देखे हैं, बाकी फिर हम इसी केस स्टडी को दोबारा से देखेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, और इसके बाकी रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक इट्स इनफ, आज हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है जी।
मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर ये